कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। हम अपनी पाठ्य पुस्तक तरंग बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम क्या है? अकल का तुम्बा। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले अब हम एक गतिविधि करेंगे, चित्र पर आधारित गतिविधि। दिए गए खाली स्थान पर एक घड़े का चित्र बनाओ। किसका चित्र बनाना है? घड़े का। साथ ही बताओ कि घड़ा किस किस काम आता है। आपको यहाँ पर घड़े का चित्र बनाना है और बताना है कि घड़ा किस किस काम आता है। पाठ प्रवेश। पाठ में ईरान के बादशाह के बेवकूफ़ी भरे संदेश के विषय में बताया गया है। कहाँ के बादशाह? ईरान के बादशाह की बेवकूफ़ी भरे संदेश के विषय में बताया गया है और उस संदेश का बीरबल ने कितनी चतुराई से जवाब दिया, आइए पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बार अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया। किसके पास? अकबर के पास। किसने भिजवाया? ईरान के बादशाह ने। सुना है आपके पास नवरत्न है, तो बादशाह अकबर से क्या कह रहा है कि आपके पास मैंने सुना है नवरत्न है, अगर थोड़ी सी अकल भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। तो ईरान का राजा बीरबल से क्या मांग रहा है? थोड़ी सी अकल मांग रहा है। अब अकल भेजे कौन? भाई अकल किसी को भेजी थोड़ी ना जाती है। अंत में अकल भेजने का काम बीरबल को मिला। बीरबल कौन था? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न था। बीरबल ने 3 ऐसे घड़े बनवाए जिनका मुंह बिल्कुल सकरा था और आकार काफ़ी बड़ा था। उसने 3 घड़े बनवाए जो बहुत बड़े थे लेकिन उनका मुंह क्या था? सकरा, मतलब छोटा था। फिर उसने बढ़िया किस्म का तुम्बे का बीज मंगाकर उगाया। किसमें उगाया? घड़े में उगाया। जब उसमें फल लग गए, जब उस मटके में घड़े में फल लग गए तो एक एक फल उनमें डाल दिया। किसमें डाल दिया? घड़े में। जब वे फल बढ़कर पूरा तुम्बा बन गए, वो फल क्या हुए? बड़े और बढ़कर पूरा तुम्बा बन गए। तो बीरबल ने उन्हें काट लिया। क्या करा? उनको काट लिया और घड़ों का मुंह बंद करके उन्हें ईरान के बादशाह के पास संदेश भिजवाया कि इन घड़ों में से अकल निकाल लें और घड़े वापस भेज दें। फल को काटा और क्या करा? घड़ों को बंद करके भिजवा दिया। कहाँ? ईरान के बादशाह को, और कहा कि इसमें से अकल निकाल लें और घड़े वापस भेज दे। ईरान का बादशाह पहले तो वे यही नहीं समझ पाया कि इतने बड़े तूबे इस घड़े में कैसे जा सके होंगे। भाई छोटा सा फल उसने डाला लेकिन वो फल फिर क्या हुआ? बड़ा हो गया। लेकिन जब उसने घड़े खोले और देखा कि तूबे के बीच से ही तुम्बा बन गया तो उसने समझ लिया कि बीरबल ने उसकी बुद्धिमता की परीक्षा ली है। भाई मटके में जब बीज डाले उसी से तो फल बना। फल किससे बनते हैं? बीज से बनते हैं। उसने महसूस किया कि बीरबल ने उसे यह सिखाने की कोशिश की है कि अकल या बुद्धिमता को नहीं भेजा जा सकता। बादशाह समझ गया कि बीरबल उसे क्या बताना चाहता है। वो समझ गया कि अकल या बुद्धि किसी को नहीं भेजी जा सकती बल्कि यह तो अपने आप में ही होती है। भाई अब हमारे में बुद्धि है तो अपने आप ही तो है, किसी से लेकर थोड़ी ना हमने अपने पास रख ली उसे। और बीरबल ने यह भी दिखा दिया कि बीरबल ने क्या दिखा दिया? कैसे एक छोटी सी चीज से बड़ी चीज बन सकती है। छोटे से बीज से कितना बड़ा फल बन गया, बस उसे सही तरीके से प्रयोग करने की जरूरत होती है। ईरान के बादशाह ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की, मतलब तारीफ की,
और उसे एक संदेश भेजकर कहा कि उसने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास कर ली है। बादशाह ने बीरबल को संदेश भिजवाया कि उसने क्या करा है, उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास कर ली है। और इस तरह बीरबल की अकल की जीत हुई, क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से उस काम को किया। चलिए अब अध्ययन करते हैं शब्दार्थ का। नवरत्न, नौरत्न। सकरा, छोटा। बेवकूफ़ी, मूर्खता। अकल, बुद्धिमता, जिसे आप कहते हैं बुद्धि, ब्रेन। बेवकूफ़ी, मूर्खता। चतुराई, समझदारी। पाठ के आधार पर चलिए अभ्यास करते हैं। प्रश्न एक, बताओ क्या पढ़ा। ईरान के बादशाह ने अकबर को क्या भिजवाया, क्या भिजवाया था, संदेश भिजवाया था। नवरत्न किसके पास थे, किसके पास थे, अकबर के पास थे। अकल भेजने का काम किसे मिला, किसे मिला था, बीरबल को मिला था। बीरबल ने कितने घड़े बनवाए बताइए, बीरबल ने 3 घड़े बनवाए। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। नवरत्न किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे, ईरान के बादशाह, अकबर, बीरबल या किसी के नहीं, नवरत्न थे अकबर के दरबार में। बीरबल ने कितने घड़े बनवाए बताइए, 2, 3, 4 या 5। बीरबल ने 3 घड़े बनवाए। डैश को नहीं भेजा जा सकता, किसको नहीं भेजा जा सकता, अकल को, बेल, नवरत्न या मंत्री को। तो सही विकल्प है अकल, अकल को नहीं भेजा जा सकता। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक डैश भिजवाया, क्या भिजवाया था, संदेश। अकल भेजने का काम डैश को मिला, किसको मिला था, बीरबल को। घड़ों का मुंह डैश था, कैसा था, सकरा था, छोटा था। ईरान के बादशाह ने बीरबल की इस प्रशंसा की, किसकी प्रशंसा की थी बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अकबर के दरबार में 10 रत्न थे, क्या यह वाक्य सही है, नहीं, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ईरान के बादशाह ने अकबर से अकल भेजने को कहा, यह वाक्य बिल्कुल सही है। घड़ों का मुंह बहुत चौड़ा था, नहीं, यह वाक्य गलत है, घड़ों का मुंह बहुत छोटा था। ईरान का बादशाह अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसा, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे अपने भेजे हुए संदेश पर हंसी आ रही थी, उसने जाना कि अकल नहीं भेजी जा सकती। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों प्रश्न 5 आप स्वयं करेंगे। तो कैसा लगा आपको यह पाठ, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।